हेलो फ्रेंड्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में चाचा जी के खिलाफ सबूत तो रिकॉर्ड हुआ, लेकिन उसका कोई भी फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और अब हम आपको बता दें कि किस तरह से आप सभी देख रहे थे कि सोडी ने और पोपट लाल ने जब वीडियो बना लिया तो उसके बाद क्या हुआ। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, उन्होंने कहा कि आपको वीडियो डिलीट करना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि पोपट लाल तभी फ़ोन में कुछ करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने में जब पोपट लाल उलझ रहे थे और सोडी भी उलझ रहे थे, लेकिन बाद में सोडी बात करने लगे उन गार्ड से। इतने में ही पोपट लाल ने अपने फ़ोन से वीडियो को कॉपी करके कहीं सेफ जगह पहुंचा दिया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बात यहीं पर नहीं रुकेगी। फिलहाल यहां पर पोपट लाल सबके सामने वीडियो डिलीट कर देंगे और यहां से निकल जाएंगे। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि जैसे ही वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचेंगे तो वो चाचा जी से पहले गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएंगे। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी ने देखा था, यानी कि पोपट लाल और जो हमारे सोडी हैं, उन दोनों ने ही देखा था कि किस तरह से चाचा जी एक के बाद एक पैक गटक रहे थे, तो ऐसे में जायज़ है कि वो ज़रूर लड़खड़ाते हुए तो नज़र आएंगे ही। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरी के पूरी पुरुष मंडली उन्हें लड़खड़ाते हुए देखकर उनके अलग गेटअप में उनकी वीडियो लेने वाली है, जिसे दिखाने वाले हैं सभी लोग मिलकर जेठालाल को। लेकिन क्या इस स्टेप पर ये लोग कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।